ऐसे मतलब 11th के एंड में ऐसे जैसे हम आपके सामने आ रहे हैं, वैसे हमारे आगे एक आए थे 97 ऑल इंडिया रैंक वाले, उन्होंने बड़ा मोटिवेट करा था हमें एक, मतलब ऐसे रियलाइज हो गया कि यार वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। सिमिलर सा यही लगता है कि हाँ कोई, वो भी ऐसे कह रहे थे बड़ी बात नहीं है, ईजी है, कर लेंगे, आगे भी जाके करोड़ का पैकेज क्या होता है, ईजी है, हो जाएगा। तो मेरे को बड़ा ऐसा हुआ कि यार करने को तो कर ही सकते हैं ना, तो वाई वेस्टेड, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, तो एक आपको जब मिल रहा है सब कुछ फिर भी ना करो तो आपकी गलती है ना। तो आई कुड नॉट लिव विद दैट फैक्ट कि मैं मेहनत ना करूँ। तो 12th में फिर करी मेहनत स्टार्ट, और एक बार जब नशा चढ़ जाता है सक्सेस का, एक बार मैं टॉप में आने लगी, तो फिर मेरा था कि नहीं अब तो नहीं जाना पीछे। तब अगर पीछे चली भी जाती थी तो खुद ही इतना बुरा लगता था कि यार नेक्स्ट टेस्ट में कवर अप करना है और ऊपर और अपना बेस्ट करना है, मॉड्यूल्स पूरी कंप्लीट करनी है, डाउट्स सारे लेने हैं। तो अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, बस विल पावर देनी पड़ती है। तो तुम लोग 12th के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, ऐसे नहीं होता कि अगर तुम एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तुमने सारे उसके क्वेश्चंस दोबारा करने हैं, मॉड्यूल्स दोबारा करनी है, नहीं, वो तुम्हारे एक बैक ऑफ द माइंड में है, तुम्हें बस एक बार नोट्स पढ़ने हैं, अगर अच्छे से करी होगी तो रिविजन करने में टाइम नहीं लगता। दिस इज क्लासेस, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम।